शराब का ज्यादा सेवन करना भी इंसान के लिए कितना खतरनाक साबित होता है, इसकी वानगी हम आपको अपनी इस खबर में दिखा रहे हैं। ये मामला उत्तर प्रदेश जनपद संभल के नकासा थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां शराब के सेवन के चक्कर में छोटे भाई ने बड़े भाई की गंडासे से गला रेत कर हत्या कर दी। इस घटना के चलते इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस के अनुसार आरोपी छोटे भाई का कहना था कि उसका बड़ा भाई दीपक आए दिन शराब के नशे में अपने ही परिवार को गाली गलौज किया करता था। परिवार उससे बेहद परेशान भी था। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर मायके में रह रही थी। आए दिन भाई की हरकतों से परेशान होकर उसने भाई की हत्या गला रेत कर गंडासे से कर दी। मैं घर बस आई, बाहर की किवाड़ लगी हुई और भीतर की खुल गई। जब मैंने देखा ना तो मेरी एकदम किल्ली निकल गई, उसकी गर्दन फर्दन सब अलग हुई पड़ी। तो मैं कह रही हूँ नीचे के टांग लटकी पड़ी, तो मैं कह रही पता ना कैसे। मैंने खून की छींटे देखी तो भीतर जाकर देखा तो उसकी गर्दन कटी पड़ी अलग। आज प्रातः थाना नखासा स्थित ग्राम रठाली में दीपक टीटू पुत्र इंदल सिंह उम्र लगभग 32 वर्ष जाति जाटव की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया तो मृतक का शव उसके मकान के अंदर उसके कमरे में बेड पर पड़ा पाया गया, जिस पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच व पूछताछ में मृतक का उसके परिजनों, उसकी माँ व उसके पिता व उसके भाई से विवाद रहता था। इसी विवाद के चलते हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। जांच के दौरान मृतक का छोटा भाई आकाश, जो कि अर्धविच्छित है, के शरीर पर व कपड़ों पर खून के निशान मिले हैं, जिसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया। पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया, लेकिन इस मामले में कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल भी हैं जिनका उत्तर हमें खोजना होगा और समाज को एक नई सीख देनी होगी, ताकि इस तरीके के मामले समाज में दोबारा ना हो। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता उत्तर प्रदेश जनपद संभल गुन्नौर से ऋषि कुशवाहा की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9212932 9211478312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8506973234।